हिमालय की तलहटी में बर्फ की राजसी चोटियों की कोख में हरे भरे जंगल के किनारे बसा है एक सुंदर और जादुई राज्य सूरजपुर। लेकिन इस स्वर्ग से राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। पासी जंगल के उस पार पहाड़ी के अंदर जमीन के हजारों फीट नीचे एक भयानक और गुप्त खदान है। जल्दी चलो वरना हम शुरू हो जाएंगे। जल्दी चलो। कमाल के। वहां सूरजपुर से अगवा किए हुए हजारों नागरिकों को गुलाम बनाकर मजदूरी करवाई जाती है। उन पर अमानवीय अत्याचार किया जाता है और इंसान की जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। कई रोज लोग दम तोड़ देते हैं और मुर्दों को भी कचरे की तरह उठाकर फेंक दिया जाता है। किसी भी बदनसीब का वहां ना दाह संस्कार किया जाता है और ना ही दफनाया जाता है। खदान के सुपरवाइजर्स को बस एक ही डर रहता है, गुरुकाल को कैसे बताए कि मजदूर कम हो रहे हैं और इसका काम पर बुरा असर हो रहा है। गुरुकाल दुनिया के सब बुरे काले जादूगरों का नेता है। कुछ भी ऐसा बुरा नहीं है जो वो ना करे। कोई ऐसी क्रूरता नहीं है जिसमें उसे मजा ना आता हो और कोई ऐसा लालच और प्रलोभन नहीं है जिससे वो प्यार ना करता हो। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, कोई उसका अपना नहीं है। काली दुनिया का पिताज बादशाह मैं गुरुकार। माया भी कलयुग का वंशज। बस एक बार सूरजपुर की धरती में खड़ा हुआ सोना मेरे हाथ लग जाए, उस सोने से भ्रष्ट कर दूंगा सूरजपुर के लोगों की सोच समझ और बुद्धि को। और फिर खुद पर खुद उनके कदम चल पड़ेंगे मेरी अंधेरी दुनिया की ओर, जहां गुरुकार अपने गुलामों के स्वागत के लिए स्वयं खड़ा रहेगा। दुनिया की शक्तियों, ताकत दो मुझे। अंधेरा बना रहे, गुरुकाल का साम्राज्य बना रहे। अब जरा मुझे बाहर रोशनी की दुनिया दिखा। देखना चाहता हूं मेरा जाने दुश्मन वो मायावी आदित्य जो खुद को महादेव और सूर्यदेव का बड़ा उपासक मानता है। वो इस वक्त का रुद्र और कलयुग से शुरू हुई ये बुरे और भले की प्रतिद्वंदिता आज 5000 साल बाद आदित्य और गुरुकाल के बीच थी। आदित्य रुद्र के वंशज हैं और उन्हीं की तरह अपनी जादू का इस्तेमाल जनहित में करते थे। आदित्य सूरजपुर के सेनापति भी थे और सूरजपुर के राजा और प्रजा की रक्षा उन्हीं की जिम्मेदारी थी। वो आज राजधानी सूरजगढ़ के रास्ते में स्थित एक भव्य सूर्य मंदिर में अपनी पत्नी रुक्मिणी और अपने पुत्र अविनाश के साथ आए हुए थे। आदित्य मंगल हो। आज बड़े दिनों बाद लौटा हूं पापा, सोचा सबसे पहले मंदिर आकर सूर्यदेव के और आपका आशीर्वाद ले। मंगल हो। ये कैसा अपशगुन था बाबा? ये अपशगुन नहीं पुत्री, एक संकेत है। ये कोमल निर्मल हृदय वाला तुम्हारा पुत्र अभी बड़ा होकर कई मायावी शक्तियों का स्वामी बनेगा और उन्हीं शक्तियों के द्वारा ये बालक
लोगों का हमेशा भला करेगा। किंतु किंतु क्या बाबा? पुत्री, बेटा आदित्य, मैं जानता हूं तुम दोनों भी कई मायावी शक्तियों के स्वामी हो, और अपनी इन मायावी शक्तियों के द्वारा तुम अपने पुत्र की रक्षा कर सकते हो, लेकिन जो मैं देख रहा हूं कोई एक बुरी शक्ति अकाल संकट उत्पन्न कर सकती है, और उस संकट का सामना करते हुए तुम दोनों के ऊपर भी भारी विपदा आ सकती है। बाबा, आप ही कोई उपाय बताइए ना। भक्षक, मेरे तीनों सेनापति जहां कर लिए, उन्हें तुरंत यहां बुलाओ। नागेंद्र स्वप्न सुंदरी और गाय, कुबेर का खजाना मिला या नहीं? गुरुकाल, हमें तो ये लगता है कि वहाँ कोई खजाना है ही नहीं। Come on! कुबेर का वो खजाना यही है, जो मैं देख पा रहा हूं वो तुम देख नहीं सकते। उस खजाने की अगर एक झलक भर देख ली ना तो होश उड़ जाएंगे तुम तीनों। देखो, इनसे तो मैं दुनिया में आतंक और तबाही मचा सकती हूं। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, मुझे नहीं तो किसी को भी नहीं। देख लिया, जो दिखाया वो सिर्फ कुबेर के खजाने की झलक मात्र थी। वो यही सूरजपुर में ही, और उसके बारे में केवल मैं, गलियुग का वंशज गुरुकाल ही जानता हूं, और अब उस खजाने को हासिल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो जाकर कुबेर के खजाने का पता लगा। लेकिन गुरुकाल, खान में कुछ मजदूरों के मरने की वजह से काम नहीं रुक सकता है गुरुकाल। तुरंत और मजदूरों की व्यवस्था करो। लेकिन गुरुकाल। लेकिन क्या? खान के चारों ओर आपके बनाए हुए जादुई कवच के कारण आज तक हमारे इस काम को कोई देख नहीं पाया है। अगर हम इस दायरे से बाहर निकले और अगर उस आदित्य ने हमें देख लिया तो मेरे और मेरे खजाने के लिए, अगर वो रुद्र का रक्षक आदित्य आया तो ना सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे परिवार का नाम और शान मिटा देगा। ये गुरुकाल, रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम
रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गर्भा श्रीमान् सुवर्ण सदृशो भानुहिरण्यरेता दिवाकरः जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः पुत्री ये सप्तक अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली है किंतु स्मरण रहे इसका उपयोग मात्र एक बार किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर तुम अपने पुत्र की रक्षा के लिए इसका उपयोग तभी कर सकती हो जब आदित्य इस बच्चे से दूर हो कल्याण हो जा मेरा बेटा जा अभी बेटा आ गया हुँ? कैसे हो घनश्याम काका कृपा है हुकुम यहाँ सूरजपुर वासियों की भीड़ कैसी पता नहीं ठीक है आप सब लोग अंदर चलिए मैं आता हूँ चलो नमस्ते आप बताइए क्या तकलीफ है आप लोगों को और कैसे मदद कर सकता हूँ मैं आप लोगों की क्या बताए हुकुम आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है पिछले कुछ महीनों से सूरजपुर से कई लोग गायब हो रहे हैं किसी का कोई अता पता नहीं है हमारी सहायता कीजिए सरकार हमारी मदद कीजिए मालिक ये समस्या सुनकर आदित्य गंभीर सोच में पड़ गए इस अनजान विघ्न का समाधान ढूंढने वो अपने पूर्वज रुद्र से प्रार्थना करने गए प्रणाम प्रथम रुद्र के रक्षक बनकर आपने इस राज्य और राजा को हर खतरे से बचाने की प्रतिज्ञा ली थी और अपने पीढ़ियों को वचनबद्ध किया था कि हम भी वही प्रतिज्ञा निभाए सूरजपुर में आज एक नया खतरा पनपता नजर आ रहा है बाबा मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उस खतरे से इस राज्य को और यहाँ के लोगों की रक्षा कर सकूं सूर्य के प्रताप उज्जवल रहे रुद्र के रक्षक विजय रहे मेरे तीनों सेनापति प्रकट हो प्रणाम हुकुम प्रणाम हुकुम प्रणाम हुकुम शेर सिंह गिगली ऋतमानव क्या तुम्हें इस नए खतरे का आभास था हुकुम हमें पता है कि बहुत से लोग यहाँ लापता हो रहे हैं कोई अंदाजा जी शेर सिंह बहुत जल्द हमें तुम्हारे असली रूप की आवश्यकता होगी हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं चलिए हमारे साथ Thank you.
जादुई कवच को तुम्हारी आंखें भेद नहीं पाएगी आदित्य। तुम ये कभी नहीं देख पाओगे कि गुरुकाल कैसे तुम्हारे ही राज्य के लोगों से अपने लिए खजाना और उनके लिए कब्र खुदवा रहा है। लेकिन गुरुकाल, उस आदित्य ने जादुई सेना को भेज दिया तो? इतनी शक्ति नहीं है उसके पास, इसके लिए उसे और भी अधिक शक्ति की जरूरत पड़ेगी। और गुरुकाल के छलावे का तोड़ केवल गुरुकाल के पास ही है। कि अभी भी ना एक मिनट के लिए इसका पैर घर पे टिकता नहीं है। अरे बहू, ये कौन सी नई बात है, ये तो उसका रोज का है, गया होगा बाहर अपने दोस्तों के पास। अभी कहाँ हो तुम? देखो जल्दी से दूध पी लो वरना मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी सारी बदमाशियों के बारे में बताऊंगी। अभी अभी चलो अंदर। यहाँ तो सब शांत लग रहा है शेर सिंह, यहाँ से लोगों के गायब होने का क्या संबंध हो सकता है? हुकुम, हमने सूरजपुर के इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, जहाँ भी लोगों के गायब होने के आसार थे, केवल यही एक जगह बची है जहाँ हम प्रवेश नहीं कर सकते। महाराज ने इसकी खुदाई का काम गुरुकाल को दिया। गुरुकाल? मैं बहुत दिनों के लिए सूरजपुर से बाहर था, वरना ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन अगर महाराज ने गुरुकाल से कोई समझौता किया है तो उसमें हम सब बंधे हुए हैं। हुकुम, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है जो हम देख नहीं पा रहे। अगर हम अंदर जा नहीं सकते तो हम कैसे पता करें? हमें भीतर जाने की अनुमति भले ही ना हो, लेकिन हम बाहर से अवश्य सब कुछ देख सकते हैं। कैसे? किरण की मदद से। ओम आदित्याय विद्महे मार्कण्डेय प्रचोदयात्। सुबह के पहले प्रहर, मध्य प्रहर और सूर्यास्त के समय मैं इस मंत्र का प्रयोग कर सकता हूँ, जिसके प्रभाव से सूर्यदेव की किरण मुझे वो दिखा सकती है जो खुले आंखों से भी नहीं देख सकते। अब सूर्यदेव की किरण हमें सब सच्चाई दिखा देगी। सब कुछ बता देगा।
आदित्य मेरी सोच से बढ़कर निकला, लेकिन जहां आदित्य की सोच खत्म होती है वहां गुरुकार की सोच शुरू होती है। सूर्य का प्रकाश उज्जवल है, सूर्य के रक्षक विजय है।